अब मैथ्स सीखना हुआ और भी आसान। क्या आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप मैथ्स में कमजोर हैं? तो हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जा रहा है, डेमो के तौर पर आप देख सकते हैं। और अगर आप सीजी व्यापम पीएससी जैसे एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की क्लास 10 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है। अगर आप मैथ्स की क्लास तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स में कमजोर हैं, आपको बिल्कुल भी मैथ्स बनाना नहीं आता, तो हम बेसिक से ही आपको सिखाएंगे। बिल्कुल जैसे कि हम आज से स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन की क्लास, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हॉस्टल वार्डन जैसे बहुत सारे एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैथ्स के बेसिक लेवल टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम आपको कंटिन्यू क्लास कराएंगे। समय के बारे में बात करें तो समय हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे अगर आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहां पर आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, मेंबर की क्लास आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का, जिसमें जीरो से लेवल हम बनेंगे। बेसिक जो छात्र हॉस्टल वार्डन बहुत सारे एग्जाम जैसे SSC बैंकिंग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मैथ्स क्लास हम लेकर आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेंसुरेशन, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे बेलन वगैरह से, बेलन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठोस बेलन वगैरह, रेखा कोण वगैरह से वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर मैथ्स की क्लास। अब मैथ्स सीखना हुआ और भी आसान, टारगेट है व्यापम का। हम आज की क्लास करेंगे बेसिक मैथ्स क्लास, जो समकोण, त्रिभुज, क्षेत्रफल, घन, घनाभ से बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जो कि आपके हम देखेंगे जो आपके बेलन के आधार पर, यानी कि बहुत सारे एग्जामों में बेलन वगैरह से, आयतन वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हॉस्टल वार्डन में यहाँ से 2 से 3 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास कवर करते हैं बेलन से। तो इसे हम पढ़ने से पहले आप सभी को मैं एक फार्मूला बता देना चाहता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम आपको फार्मूला बताएंगे। क्वेश्चन कहता है एक बेलन के आधार पर जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब होता है व्यास। जैसे कि अब हमको व्यास मालूम रहता है, तो व्यास बनाने के लिए व्यास बराबर कितना होता है, व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या बाई 2, है ना, ये हमको ज्ञात करना पड़ता है। लेकिन हमको ये ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ पूछा क्या गया एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम आपको देखिए बेलन के जो आधार है उसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, जबकि व्यास पूरा, इसको व्यास कहा जाता है, और जबकि इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। यहाँ तक देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा ऊंचाई आपका 30 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने से पहले आप फार्मूला को समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले फार्मूला समझ लीजिएगा, फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh, याद रख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बेलन की वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है 2πRh, तो h आपका क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है। r का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है। तो बेलन के कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इसके बाद बेलन का आयतन πR²h, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, चाहे आप व्यापम, PSC, SSC, रेलवे, जो भी एग्जाम की तैयारी करें, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, है ना, फार्मूला याद करना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन को, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर, याद रखना कितना, 14 सेंटीमीटर, जबकि ऊंचाई आपका 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे इसको मैं अपने इमेज के तौर पर बता दिया हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना है ना। देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व, सबसे पहले हम सॉल्व करके इसको रख लिए हैं, इसको मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। देखिए क्या कहता है,
जो दिया गया है आपका त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, जबकि ऊंचाई आपका 30 सेंटीमीटर है। देखिए ऊंचाई आपको बोला गया है तो हम यहाँ पर 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं बेलन से, ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। और त्रिज्या का मतलब होता है आर, जो आपका ये आधा वाला व्यास है ना, यहाँ तक ये आपका व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठी के क्षेत्रफल आप सभी को बताया था 2πRh, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल होता है 2πRh, तो पाई का मतलब आपका हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और 22/7 को 3.14 भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर दिए हैं हम, इसको हम ध्यान से समझते हैं। तो देखिए 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पर, आर का मान आपका कितना था 14, ठीक है, आर का मान कितना था 14, तो 14 रख लिए हैं। और एच आपका कितना था, एच आपका 30, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं एच आपका 30 सेंटीमीटर है, 30 हम रख लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो आपका 7 एकम 7, 7 दूना 14 यहाँ से कट जाएगा, उसके बाद आपको बचेगा कितना 2 और 2 और 2 आपका 30। तो इसको हम सभी को सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर का स्क्वायर में, यही आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका एक बेलन का व्यास है ना, ये मेरा ही एक जो कॉपी में नोट किया था उसको मैं पीडीएफ के तौर पर आपको बिल्कुल बेसिक क्लास समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बेलन का व्यास कितना, 84 सेंटीमीटर व्यास पूछा गया है। व्यास का मतलब ये आपको पूरा व्यास हो गया, ठीक है ना। बेलन देखिए मैं ग्राफिकल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जो चित्र डायग्राम के हिसाब से, ठीक है, तो डायग्राम को ध्यान से समझना, ठीक है। तो एक बेलन का व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा आपका व्यास हो गया। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, ठीक है। व्यास का आप सभी को मालूम होगा, व्यास का फॉर्मूला कभी भी अगर व्यास पूछा जाए तो व्यास का हो जाएगा आपका R/2। R हमेशा होता है आपका त्रिज्या, याद रखना, ठीक है, त्रिज्या, जो आपका त्रिज्या यहाँ से एक बिंदु से ये आपका हो जाएगा, ये पूरा पूरा आपका व्यास होगा, जबकि आपका त्रिज्या यहाँ तक होगा, ये आपका होगा त्रिज्या, ठीक है, आर छोटा पॉइंट जो है ना, ये आपका त्रिज्या होगा। जबकि बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए पूछा है, तो बेलन का आयतन के लिए आप सभी को फॉर्मूला बताया था पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही हमको याद करना है, इसलिए मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, जो कि अगर आपको फार्मूला याद होता है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई कितना है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 75 सेंटीमीटर। चलिए मैं आपको सॉल्व किया हूँ उसको, मैं आपको बेसिक तौर पर समझा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व किए गए हैं, यदि इसकी ऊंचाई आपको 75 सेंटीमीटर है तो याद रखना, ठीक है, व्यास आपका 84 सेंटीमीटर है, इसको याद रखना, ठीक है, व्यास आपका कितना है 84 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है 84/2, यानी कि 42 सेंटीमीटर, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है बेलन का आयतन। तो आपका ऊंचाई कितना है 75 सेंटीमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं, उसी पर बेलन का आयतन, यही आपके एग्जाम में प्रश्न में पूछा गया था। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर एच, मान रखेंगे पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है आपका 42 सेंटीमीटर, तो 42 का आर का स्क्वायर यानी कि डबल हम इसको लिख लेते हैं, 75 यहाँ हम लिख लिए, ठीक है। जी आपका आर हो गया यहाँ से, ये आपका 84 सेंटीमीटर, जबकि व्यास पूछा गया था तो पाई का मान आपका 22/7 होता है, और 22/7 को हम 3.14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, तो चलिए इसको सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं, 22 × 6 × 4 × 2 × 75, तो 22 करेंगे तो 132, ये आपको पूरा आपस में गुणा कर जाएगा तो 3150, ठीक है। अब दोनों सभी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हम गुणा करते हैं इनका, तो ये आ जाएगा 41,000, ये आपका हो जाएगा 41,05,800 सेंटीमीटर। ये बेलन का आयतन पूछा गया था ना, तो इसका आयतन आपका कितना हो जाएगा 41,05,800 रुपया, इसका आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया, उनमें 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए आप सभी को कह रहा हूँ कि जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए फिर से हम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे हम डेली क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। 10 जुलाई से आपका बेसिक क्लास प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, मैथ्स की क्लास आप कहीं जाइएगा मत, अब जीरो से क्या बनोगे, हीरो बनोगे, जीरो से हीरो बनोगे, है ना। चलिए क्वेश्चन कहता है एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है,
7 सेंटीमीटर। याद रखना क्या पूछा गया, एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूँ, डायग्राम को हमेशा समझ लीजिए। आपका अगर व्यास हो जाए, व्यास का आधा आपका क्या होता है, त्रिज्या। मैं बार बार बता रहा हूँ, डायग्राम को हम हिसाब से समझते हैं। ये आपको पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। व्यास का आधा आपका हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है, इसकी त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी प्रकार ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से इनकी जो हाइट है आपका है ना 15 सेंटीमीटर है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसीलिए मैं आप सभी को फार्मूला फर्स्ट में है आपको बता दिया था। अगर बेलन का अगर आपको फार्मूला याद है तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, हम इसको सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, जितने लोगों को मालूम नहीं है तो इस क्लास को देखिएगा, और जिनको मालूम है तो आंसर फटाफट बताइएगा। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएं, तो ध्यान से समझिएगा ना। तो देखिए यहाँ पर कितना है, त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(r+h)। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h) है, तो पाई का मान आप सभी को मालूम होगा 22/7 होता है, उसको हम 3.14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऊंचाई कितना है, आपका 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर कितना है, 7 सेंटीमीटर। अगर व्यास पूछा जाता तो आपका डबल हो जाता, 7 × 2 कर देते, यानी कि 14 हो जाता आपका व्यास, ठीक है। तो चलिए अब इसको ध्यान से समझिएगा। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है आपका 2×22×7, 7+15, आर आर का माने ये हो गया, आर यहाँ पर देखिए आर कितना है, 7 है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका यहाँ से और ये वाला कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नीचे में सॉल्व कर दिए हैं, 7+15 आपका 22 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 और 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2, 22 और 22, ठीक है। अगर 2 और 22 को गुणा करते हैं तो इतना आपस में कितना आ जाएगा आपका, 22 × 2 = 44, 44 को 22 से गुणा करते हैं तो 928 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 928 होगा। वीडियो आपको कैसा लगता है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ये अभी आप सभी के लिए मैं ये डेमो क्लास लेकर आया था, ये डेमो आपको कैसा लगा है आप कमेंट का बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल डेली क्लास कीजिएगा। 10 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है, अगर मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं वहाँ पर 199 रुपये की क्लास आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मैथ्स का है ना। अब क्या होगा, सीखना होगा आसान, बेसिक है, हम आपको सिखाएंगे, आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। देखिए इसीलिए मैं आप सभी के लिए बेसिक क्लास, बेसिक मैथ्स क्लास लेकर आ रहा हूँ। कल से आपका प्रारंभ हो जाएगा, समकोण, त्रिभुज, क्षेत्रफल, घन, घनाभ से पूरा क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो सीखना क्या होगा, आसान होगा, हम मैथ्स की क्लास लेकर आएंगे। टारगेट है आपका व्यापम, चाहे जो भी एग्ज़ाम आए है ना, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, ADO हो, पटवारी हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, जो भी हो है ना, जो सभी के एग्ज़ाम हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर बने रहिएगा वीडियो पर, कहीं जाइएगा मत नेक्स्ट क्लास में आप।